तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ब्रह्मा विष्णु महेश आदिशक्ति के थे। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा लाए। पुरुष गंब कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भर माए। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, संतत्व की धारा का प्रचलन सदगुरु कबीर साहब से हुआ। उनका जमकर विरोध हुआ, विरोध होने का कारण था संतों ने सदगुण निर्गुण दोनों भक्तियों से आगे की बात की। इससे जो दो सदगुण निर्गुण भक्तियां स्थापित थी, उनकी क्षति हुई। अलग निरंजन सन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब गोस्वामी जी भी रामायण में एक बात बोल रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसका मतलब है वो नाम कुछ अलग चीज है। जय खोजत ब्रह्मा थके शिव संकादि शेष, ये सभी बातें चौंकाने वाली थी। एक बात तो ठीक है, पूरे इस विश्व में एक ही की भक्ति होती है, निरंजन निराकार। हम सब हिंदू लोग उसको निरंजन कहते हैं, मुसलमान लोग उसको बेचूना खुदा, चून बेचून, चून साकार बेचून निराकार, चून नहीं दिखे। ईसाई लोग इसे आकाशी पिता कहते हैं, यानी शून्य। तो सब ने बस वो निरंजन तक की बात की और तीन लोग तक की बात की। सबने निरंजन को परमात्मा माना, पर साहब ने आकर एक अद्भुत चीज की, कहा तीन लोग पढ़ रहे तराई, चौथा लोग हमारे भाई। तीन लोग में जो कुछ आए काल निरंजन सबको डाहे। इससे जो सरगुण निर्गुण का ढांचा था वो हिल गया। तो उन्होंने कबीर साहब का घोर विरोध किया, वो आज भी चलता है। तीन देव जो उनको ध्यावे निरंजन के विपार न पावे। अलग निरंजन बड़ बंटवारा, तीन लोग जिनकी नहार। करे ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। मैंने एक बात बोली, थोड़े समय बाद वैज्ञानिक कहेंगे हमने सृष्टि का रहस्य जान लिया। आप देख लेना, मैं ब्लैक होल के बारे में कई बार बोल चुका हूं, वह एक सिग्नल है। वैज्ञानिक लोग बहुत लंबे समय से सृष्टि का रहस्य और ईश्वरवाद को ढूंढ रहे थे। शास्त्रों में परमात्म तत्व के लिए एक बात बोली गई है, वैज्ञानिक उसी पर शोध कर रहे हैं। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है,
इसी को वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं। सूक्ष्म का मतलब है बहुत बारीक, वो बहुत सूक्ष्म है। अब उसको साहब कैसा कह रहे हैं, राई के दसवें भाग का, राई आप देखते हैं बहुत बारीक है, उसके दस हिस्से करो, ताकि बीसवा बीस उसके बीसवें हिस्से का भी बीस हिस्सा कर दो, यानी राई का 0.00000 छः शून्य लगा रहे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इसका मतलब है राई से 1,00,000 गुना बारीक, उससे भी बारीक है। कह रहे हैं वो वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं वो गॉड पार्टिकल, स्टीफन ने भी यही कहा, उसी से ये विश्व है बहुत ही सूक्ष्म, वो निरंजन है, इसलिए उसे कोई देख नहीं पाता है, वो निराकार है। शास्त्रों की बात अभी वैज्ञानिकों के सिरे चढ़ रही है। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने M7 कुछ आकाशगंगा में काला तारा देखा, उसको वो ब्लैक होल कहने लगे, पर उस पर ज्यादा शोध नहीं हुआ। 1960 में वैज्ञानिकों ने उस ब्लैक होल के बारे में बोलना शुरू किया, उन्होंने क्या बोला, ब्लैक होल में एक ग्रेविटी है बहुत जबरदस्त, वो धीरे धीरे तत्वों को पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है उससे। और उदाहरण के लिए अगर इस मकान को उसको खींचने की ताकत नहीं है ब्लैक होल में, तो पहले इसको खींचकर अपनी एनर्जी बढ़ाता है। एनर्जी कैसे बढ़ाता है, ग्रेविटी कैसे बढ़ाता है, वो पावर है। पांचों तत्व में आप देखो पावर है ना, उनको डिस्ल्यूट कर देता है, उनके भौतिक रूप को खत्म कर देता है और एनर्जी कलेक्ट कर लेता है। जैसे आपने गन्ने से रस निकाल लिया, उसका फोक फेंक दिया, तिलों से तेल निकाल दिया, दूध में घी उसकी एनर्जी है वो निकाल, इससे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। धीरे धीरे ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स को वो खींचेगा, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं और सृजन के रहस्य को भली भांति जान रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो पूरे सौरमंडल ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उपग्रह ग्रह हैं, सबको खींच लेगा, उनको डिस्ल्यूट करेगा, उनका अस्तित्व खत्म कर देगा, उनकी एनर्जी कलेक्ट करता जाएगा। और लगभग 5 करोड़ साल बाद उनका ऐसा मूल्यांकन है, पूरी पृथ्वी को उठा करके वो अपने में समा देगा। साथ में वो क्या कह रहे हैं,
ब्लैक होल में इतनी ताकत है, कोई भी चीज उसमें गई बाहर नहीं आ सकती, वो बाहर नहीं आ सकती है चीज। यहां तक कि प्रकाश भी भेजोगे ना, वो भी बाहर नहीं आएगा, उसको भी डिस्ल्यूट कर देगा, लय कर देगा। तो अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो ब्लैक होल उस सबको खींच रहा है अपनी तरफ, खींच कर अपने में लय कर देता है। जो चीज ब्लैक होल में गई वो उसको लय कर देता, उसके स्वरूप को खत्म करके उसकी एनर्जी को अपने में रिसीव कर लेता। जैसे हम सब लोग दही दूध की एनर्जी इकट्ठी करते हैं, दही जमा कर मथते हैं, दूध की पूरी एनर्जी हम निकाल लेते हैं और सांस फेंक देते हैं। इस तरह ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा 7 mm में वो स्थित है। वो ब्रह्मांड के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको खींचता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा है। और एक दिन 5 करोड़ साल बाद उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़, अभी वो धरती को नहीं खींच सकता है, बात यह है एक छोटा सा चुंबक है इसको नहीं खींच पाएगा, खुद उसकी तरफ जा सकता है। इस तरह 5 करोड़ साल बाद पूरी पृथ्वी को उठाकर अपनी तरफ ले जाएगा, सबको लय कर देगा। अब वैज्ञानिकों का यह शोध कितना शास्त्र संगत है अब हम देखेंगे। इस तरह एंड में वो पूरे ब्रह्मांड को ब्लैक होल अपने में लय कर देगा। अब देखते हैं ब्लैक होल क्या है। 78% डार्क मैटर है और 22% डार्क एनर्जी है। पहले वैज्ञानिकों ने खोज की, मैं नासा में भी गया हूँ अमरीका में, मैं घूमता रहा। वैज्ञानिकों ने खोज की पहले ब्रह्मांड की, तो पहले वो कहाँ पहुँचे, उन्होंने ये कहा डार्क मैटर इज बेस ऑफ द क्रिएशन। उन्होंने कहा ये जो डार्क मैटर है अंधकार, यही दुनिया का बेस है, आधार है। ये क्यों बोला, आओ मैं रहस्य देता हूँ इसको। 5 तत्व हैं ये ब्रह्मांड में, 5 तत्व पार्टिकल्स जो हैं 5 है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। साहब ने इन 5ों के लिए कहा है, ये 5ों हमारी बॉडी में भी है, हम सबका शरीर 5 तत्व से बना है। आत्मज्ञान परा और अपरा विज्ञान से परे है, इसलिए ये विज्ञान है। भक्ति एक विज्ञान है, ये नहीं कि बाबा जी भांग खाया और नशा किया, गांजा पिया, बम बम भोले बोला, वो तो एक अमली है। वो पूरे कंसंट्रेट होकर के पूरे शरीर का शोध करते हैं। न्यूटन जब खगोल की ये शोध कर रहा था, अपनी प्रयोगशाला में वो व्यस्त रहता था, पूरा वहां कंसंट्रेट था। एक स्त्री आती थी, उसको चाय या कुछ भोजन रखती थी टेबल पर, वो इशारा करता था जाओ। ये सिलसिला काफी दिन रहा। एक दिन उस स्त्री ने जब कुछ रखा तो उसने तभी भी उसको इशारा किया था, उसने कहा सुनिए आपसे कुछ बात करना है। न्यूटन ने गर्दन ऊपर उठाई,
आप किसी चीज को देख रहे हैं उस समय भी आप डिसेंट्रलाइज हो जाता है आपका कंसंट्रेशन। मैं अभी जब ये खंभे को देखा तो मेरी बड़ी एनर्जी लग गई इसमें, मेरी आंखों ने मस्तिष्क को बताया ये खंभा है। आंखों ने पहले मेमोरी से पूछा क्या है, कहा खंभा है, और हमारा मस्तिष्क माना खंभा है। इसलिए देखना एक जहमत है। जब हम देख रहे हैं तो हमारी बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए कह रहे हैं आंखें बंद करना आधी समाधि है। नेचुरल है, आपने ये देखा तो कहेंगे रिमोट है। कैसे पता चला रिमोट है? आंखों ने ब्रेन के पास इसका नक्शा भेजा, ब्रेन ने मेमोरी से पूछा, मेमोरी ने कहा कि ये रिमोट है। ये काम इतना फास्ट हुआ कि इन मिली सेकेंड। इसलिए जब भी आदमी कंसंट्रेट होता है पहले आंखें बंद करता है। दूसरा, कान हमारे ध्यान को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आप जब भी कोई साउंड सुनते हैं तो आप, अब कुत्ते की आवाज़ सुनी तो आप जानते हैं कुत्ता भौंक रहा है, उस समय आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी एक्टिव हुई। बादल गरजा तो वो आवाज़ अलग है, आप जान जाते हैं कि बादल गरजा, यानी आपका पूरा कॉन्शियस, पूरा ब्रेन उस समय एक्टिव हो जाता है। ये मैं प्रसंग क्यों बोल रहा हूँ, इस समय आपकी आत्मशक्ति बॉडी में है, बॉडी में डिप्लॉयड है। इसलिए आदमी अंदर की दुनिया को देखने के लिए पहले अपनी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट करता है। मेरा एक स्लोगन है, कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। आत्मा और कुछ नहीं है, चेतना, आत्मा आपकी सुरती है और सुरती आत्मा है। आत्मा की व्याख्या शास्त्रों में है कि आंखों के बिना भी देखती है, पैरों के बिना भी सुनती है, कानों के बिना भी सुनती है, पैरों के बिना भी चलती है, मुंह के बिना भी बोलती है। तो आत्मा की अभी ताकत कहाँ है? आत्मा की ताकत इस मुंह में, वो मुंह इस मुंह में लगा हुआ है, वो आंखें इस आंखों में लगी हुई है, वो आत्मा वाले हाथ इन हाथों को एक्टिव कर रहे हैं, आत्मा के पैर इन पैरों को चल रहे हैं, और ब्रह्म में आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया। इसलिए आदमी आत्मज्ञान के लिए क्या करता है, एकाग्र क्यों हो रहा है यहाँ परमात्मा को देखने के लिए, कि वो पूरी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट करना है। जब पूरी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी तो उसी से सब काम होंगे। मैंने ये प्रमाण कई बार दिया है, डॉक्टर एबेन अलेक्जेंडर, वो कामा में चला गया था काफ़ी दिन, वैज्ञानिक था वो खुद, न्यूरोलिस्ट था, आप नेट में भी देख सकते हैं उसको। वो ब्रह्मांड में गया, स्वर्ग आदि लोग देखे, वो काफ़ी दिन कोमा में रहा। उसने एक बात लिखी है कि यहाँ देखने के लिए हमारी आंखें हैं, यहाँ सुनने के लिए हमारे कान हैं, यहाँ चलने के लिए हमारे पैर हैं, यहाँ बोलने के लिए हमारा मुंह है, वहाँ सब काम एक ही चीज़ से होता है। वहाँ सब काम एक ही चीज़ से होता है। मेरा मानना है यहाँ भी सब काम एक ही चीज़ से हो रहा है, अब प्रमाण दे रहा हूँ। आप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप तीन काम कर रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन भी रहे हैं, और आप समझ भी रहे हैं। अगर यहाँ से आपका ध्यान चला जाए तो आपकी आंखें यही रहेगी लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, आपके कान खुले रहेंगे आप सुन ही नहीं पाएंगे क्या कहा मैंने, आपकी आंखें खुली रहेगी आप मुझे नहीं देख पाएंगे। कभी कभी आपका ध्यान किसी की बात सुनते समय कहीं चला जाता है तो आप उसको फिर कहते भैया क्या बोला दोबारा बोलो, ऐसा क्यों दोबारा बोलो, आप तो यहाँ थे आपके कान खुले थे, क्योंकि ये पूरा काम अभी भी आत्मा से ही हो रहा है।
बस एक ही तो बहम है कि हमारी आत्मा ने अपने आप को शरीर समझ, ये परापरा से बहुत बड़ा विज्ञान है अध्यात्म। तो न्यूटन इसलिए आदमी अपनी आत्मा तक जागने के लिए पूरे पूरा कंसंट्रेट होना चाह रहा है, यानी अपने ध्यान को जो पूरी बॉडी में है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसको एक जगह लाना है। तो न्यूटन जब शोध कर रहा था, पूरा ध्यान एक जगह था उसका। स्त्री ने बोला, सुनिए बात करना है। न्यूटन ने ऊपर आँख उठाकर कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, लो मैं आपकी बीवी और आप उससे कौन हो? न्यूटन ने कहा, मेरी शादी हो गई है। बोला, लो आपकी शादी हो गई? बोला, ओके। बोला, सॉरी डिस्टर्ब नहीं करो, मैं किसी शोध में हूँ। उन्होंने कुछ पैसे देकर उसको आउट किया। देखा, एक वैज्ञानिक भी जब शोध कर रहा था, ये भूल गया कि मैं शादी किया है या नहीं किया है, इस बाकी सभी चीज़ें। इस तरह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आदमी पूरे संसार को छोड़ करके इंद्रियों को दमन करता है, क्योंकि इंद्रियां हमारे पूरे कंसंट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करती है। अब तो यहाँ पर साधुवाद क्या है, गांजा पिया, चोला बना, डंडा लिया और निकल पड़े हो, ये नहीं है साधुवाद, ये तो एक कंसंट्रेशन है, उसमें पूरी एनर्जी एक जगह कर रहे हैं। तो आइए, इस तरह वहां अब क्या होता है, वो पूरे एलिमेंट्स को अपने में ऑब्जर्व करता रहता है, पांचों तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। अभी प्रेजेंट में वो ब्लैक एनर्जी खुद आकाश तत्व में है। अभी वो ब्लैक एनर्जी कहाँ है? आकाश तत्व में है, उसके साथ रह रही है। जैसे आप शरीर में आए हैं तो आप एक घर में रहते हैं ना, इस तरह अभी वो ब्लैक एनर्जी यानी निराकार शक्ति अभी आकाश तत्व के अंदर है, इसलिए उस ईश्वर को आकाश तत्व भी बोल रहे हैं। उस एनर्जी को सब उसी एनर्जी को मान रहे हैं। अभी अब वो क्या करता है, धीरे 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 सभी तत्वों को, एलिमेंट्स को अपने में ऑब्जर्व करके तरंगों में बदल देता है, वेव में बदलता है। यही साइंस का मत भी है, फिजिक्स का, पार्टिकल कन्वर्ट इन वेव्स एंड वेव्स कन्वर्ट इन पार्टिकल। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में बैठा है, आप यहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपको वो यहाँ वहाँ दिख रहा है। कैसे दिखा? ये नहीं था कि आपके रिश्तेदार की तस्वीर वहाँ से घूमती 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 आई। उन्होंने यही किया है, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने उस पिक्चर को तरंगों में कन्वर्ट कर दिया। वैज्ञानिक खूब अच्छी खोज कर रहे हैं, कोई नॉर्मल लोग नहीं है। उन्होंने आपके भाई की तरंग पिक्चर को तरंगों में कन्वर्ट किया और तरंगें एक मिनट में कहीं भी पहुंच जाएगी। मेरा एक सवाल है, समुद्र में एक पानी की बूंद फेंके, वो पूरे समुद्र में, सात समुद्र हैं, विशाल समुद्र हैं, पूरे समुद्र में कितनी देर में फैलेगी? हाँ भैया, कितनी देर में फैलेगी? हाँ, एक मिनट में। मैं कह रहा हूं इन माइक्रोसेकंड में, गिरते ही पूरे में फैल जाएगी, उसमें गिरते ही सात समुद्र तक पहुंच जाती है। इस तरह स्पेस में आपकी आवाज निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। तो उन्होंने फिर साउंड को डिकोड करने के लिए एक सिस्टम बनाया आपके, ये नॉर्मल बात नहीं है,
करीब 70% लोग, 90% लोग नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तरंगे आती हैं यहाँ, आपके भाई की तरंगे नहीं आई, पिक्चर नहीं घूमती घूमती आई, नहीं तो दुनिया में पिक्चर ही घूमनी थी। आपके भाई की आवाज़ गूंजती नहीं आई, हेलो बहन जी कैसे हो, नहीं फिर तो दुनिया में शोर शोर होना था। उन्होंने पार्टिकल्स को वेब में चेंज किया, इस तरह बस अध्यात्म दुनिया में भी ऐसे ही होता है। आपका पूरा कॉन्शियस पहले एक जगह निकलता है, उसके बाद लैंडर से फिर दूसरा शरीर निकलता है। अगर वहाँ आप डिसकंसर्नेट हुए तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। बस ये बाहर भीतर एक समाना, अगर वहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज हो गए, क्योंकि वो एक पल बड़ा खतरनाक है अंदर की दुनिया में जाने का। जब आप पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर लेते हैं एक पॉइंट पर, बहुत मुश्किल है, हो जाता है, इसके लिए सब भुलाना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहो। जब वो एक पॉइंट पर पूरा किया, अब वो वहाँ पलटता है, आपका वहाँ पूरा कॉन्शियस पलटता है। जब पलटता है उस समय अगर आप डर गए, उस समय आपको एक सेकंड के लिए लगेगा आप खत्म हो रहे हैं, आपका इंडिविजुअलिटी खत्म हो रही है। जब दसम द्वार खुलता है यूं ही होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं मधु हूँ, ये खत्म हो रहा है। क्यों? पहले मैंने पूरा ध्यान अपना कंसंट्रेट किया, अपनी इंद्रियों को साधा, सब चीज़ों को कंट्रोल किया, एकाग्र हुआ, लेकिन वहाँ अभी ये सब कंसंट्रेट होने के बाद भी खुद ही का पता था, ओन सेल्फ का। जब तक हमें ओन सेल्फ का पता है, तब तक हम सूक्ष्म शरीर में नहीं जा सकते हैं। तो जब खुद ही यूं पलटती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा दिया, जैसे कोई पानी में डुबा दिया, एक माइक्रो सेकंड ऐसा होता है, आदमी वहीं डर जाता है, कहता है ना ना अपना कॉन्शियंस नहीं खोना चाहता। जो ये कॉन्शियंस है कि मैं सुशील कुमार सिंह हूँ, इसी से ही तो दुनिया है, वहाँ ये पलटी खाता है पूरी एकाग्रता के बाद। इसी को कहा दसम द्वार खुलना। दसम द्वार कोई ऐसा द्वार नहीं है, 9 द्वार प्रकट दिख रहे हैं, दसम गुप्त है, और 11वां द्वार तो फिर अजीब है, 9 द्वार संसार सब, 10वां योगी सार, एकादश खिड़की बनी जानत संसुना। वैज्ञानिकों ने इंस्ट्रूमेंट बनाया जो पार्टिकल को वेब में कन्वर्ट किया, पार्टिकल आपकी बॉडी तत्व था, उसने उसको क्या किया, वेब में कन्वर्ट किया, वेब विद इन ए मिली सेकेंड यहाँ मिल गई, पूरे स्पेस में मिल गई। आपके यहाँ जो मोबाइल था उसमें वेब डिटेक्टर था, उसने उस वेब को रिसीव किया और उसको डिकोड किया, आपकी पूरी तस्वीर बनाई। कभी कभी आप देखते हैं क्लाइमेट खराब होने के कारण से तस्वीर पूरी नहीं बनती है, पूरी आवाज़ साफ नहीं आती है, यानी स्पेस से पूरा। तो इस तरह पार्टिकल कन्वर्ट इन वेब एंड वेब कन्वर्ट इन पार्टिकल, तब फिर क्या होता है, वो क्या करता है, धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड का नाश करता है। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, 20 साल बाद वैज्ञानिक परमात्मा को कहेंगे हम आओ दिखाएं आपको भी, वो कहेंगे हमने ईश्वर को जान लिया, दुनिया बनाने वाला जान लिया, दुनिया मिटाने वाला जान लिया। 20 साल बाद आप मेरी ये बात नोट कर लेना, वो 20 साल बाद बोलेंगे और प्रूफ देंगे, शास्त्रों का प्रूफ भी दे देंगे। आप ये मत सोचना कि वो वेद नहीं पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया मोबाइल में, स्मार्टफोन में सेट कर दिया। पहले हम लोग कहते थे नो लाइफ विदाउट वाइफ, अब आप गूगल में जाना, उस पर पता है क्या लिखा है, नो लाइफ विदाउट गूगल। व्हाट इज द ब्लैक होल? 78% इज ए ब्लैक मैटर। व्हाट इज द ब्लैक मैटर? आकाश तत्व। 22% इज ए ब्लैक एनर्जी, यानी शक्ति, निराकार शक्ति। अभी वो सिर्फ 22% है, ये 100% हो जाएगी। फिर जब 100% हो जाएगी तो वो अकेला वही रहेगा, एनर्जी ब्लैक निराकार। वाह,
हमारे वेद भी यही कह रहे हैं, महाप्रलय में सभी चीजें लय हो जाएगी। इसको ये लय का, लय और नाश में अंतर है। लय का मतलब है नाश नहीं, अपना रूप खोना लेकिन रहना, अस्तित्व रहना। उदाहरण के लिए दूध में आपने चीनी डाली, लय हो गई ना, खत्म नहीं हुई। अब पियो तो अपना गुण बता रही है कि नहीं, लय ये है आलोक, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट खत्म। पहली बात, दुनिया में कुछ डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। जब शरीर खत्म होता है वो भी लय हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, आग अग्नि में लय होते। जिसने चार वेद पढ़े वो PhD है वेदों में, मैथमेटिक है वेदों में, खगोली ज्ञान है वेदों में, कॉमर्स है अथर्ववेद में, वेदों में पूरी हिस्ट्री है, वेदों में विज्ञान है। इसलिए चार वेद पढ़ने वाला सुपर PhD माना जाता है, आचार्य डिग्री मिलती। हमारे वेद क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद कह रहा है ईश्वर निराकार है, यानी ब्लैक एनर्जी। निराकार यानी जो दिखे नहीं। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद क्या कह रहा है? निराकार मीन्स नथिंग, ईश्वर ये सृजन ईश्वर है। इसलिए कह रहे हैं कण कण में ईश्वर है। ऋग्वेद कह रहा है, यजुर्वेद कह रहा है निराकार मीन्स नथिंग, परमात्मा साकार है। इसलिए हम जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन सब की पूजा कर रहे हैं। सर्वगुण भक्ति का कारण ही यही है। वो कह रहे हैं निराकार असाध्य है, साकार दिख रहे हैं, इसलिए वो मूर्ति पूजा बाकी सब चीजें ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मूर्ति से भगवान कैसे प्रकट करते हैं वो मैं बताता हूँ। उसका अपना कंसंट्रेशन और मान्यता वहां पर स्थापित हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो वहां प्रकट हो जाता है। ये तो उसकी है अपनी मान्यता, जब अपने में आप देखोगे तो अपने में। इस तरह यजुर्वेद कह रहा है नो, परमात्मा निराकार मीन्स नथिंग, वो साकार है, ये पूरा सृजन ईश्वर रूप है। पवन, अग्नि, जल आदि ये सब 33 करोड़ देवता ये साकार हैं, ये लभ्य हैं, वो दुर्लभ हैं। और सामवेद क्या कह रहे हैं? नो गॉड, ईश्वर है ही नहीं, आत्मा ही है सब। इसलिए बुद्ध धर्म में भी ये सामवेद से कनेक्टेड है। बुद्ध धर्म में भी परमात्मा की बात महात्मा बुद्ध ने कहीं नहीं किया, ओनली आत्मा का। और अथर्ववेद क्या कह रहा है? नो आत्मा, नो परमात्मा, जो कुछ है कर्म है। इसलिए कई गाड़ियों में नहीं लिखा कर्म ही धर्म है, ये अथर्ववेद का उद्घोष है। अब साहब क्या कह रहे हैं? चार वेद मिल झगड़ा की ना, आपस में लड़े चारों वेद, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। साहब की टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट मैजिशियंस थे, मैजिक थे। चार वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इसलिए कबीर साहब ने सबके अलग हट करके परमात्मा के अस्तित्व को बोला, वो पांच तत्व से परे हैं। पुरुष कहो तो पुरुष है नाही, पुरुष रहा माया के माही, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। ये एक बहुत साइंटिफिक घटना थी कबीर साहब। लोगों ने डीफेम करने के लिए उन्हें जुलाहा बना दिया, फलाना बना दिया, कहीं किसी का बना दिया, कहीं कोई पकड़ा, कहीं कोई पकड़ा, ये पॉलिटिक्स। केवल ज्ञान कबीर का वर्ले जन जाना। उन्होंने चौथे लोक की बात की, आप यकीन रखना जब वो ब्लैक एनर्जी को वैज्ञानिक जानेंगे उसके बाद वो ये जानने की कोशिश करेंगे वेयर फ्रॉम ब्लैक एनर्जी हैज कम, ठीक है। हुए
चलना है दूर मुसाफिर काहे से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी ये इंसान सतलोक फिजिकल कभी नहीं पहुँच सकेगा। असंख्य योजन है, अभी ब्लैक होल के लिए वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, कितना दूर है पता है? 400 बिलियन ट्रिलियन माइल, यानी 4 के पीछे 20 जीरो लगाओ, इतना दूर है। इकाई, उसके एक जीरो लगा दहाई, दूसरा सैकड़ा, हजार, दह हजार, लाख, दह लाख, करोड़, दह करोड़, 8 जीरो लगाने से 10 करोड़ हुआ, अरब, दह अरब, खरब, दह खरब, पर्व, दह पर्व, नील, दह नील, पद्म, दह पद्म, नील, दह नील, संख, दह असंख्य, उसके बाद अनंत है। यानी 20 जीरो कहां खत्म हुई? असंख्य, दह असंख्य। अब कबीर साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनो, ये वैज्ञानिकों की गणना है। अब देखो साहब क्या बोले, आप देख लेना, आप इससे अंदाज लगाओ कितने बड़े साइंटिस्ट थे। अचिंत लोक में दीन बताई, लोकालोक सब वर्ण सुनाई, अब भाको निर्गुण को लेखा, योजन संख्या लोक विषय का, अचिंत के आगे लोक बखाना, तीन असंख्य योजन परमाणु। एक योजन में 12 किलोमीटर चार कोस होते हैं, तीन असंख्य इसका मतलब है इंटू 12, 36 असंख्य योजन जाने के बाद बोल रहे हैं वहाँ सोहंग लोक है, 36 असंख्य वैज्ञानिक आंकड़े मिलेंगे पूरे। सोहंग पुरुष है आदम अपारा, सोहंग पुरुष के आगे जाना मूल नाम था पुरुष बजाना, 5 असंख्य योजन परमाणु, 12 × 5 = 60 असंख्य योजन उससे आगे जाने के बाद, तब फिर वो कह रहे हैं मूल नाम पुरुष है, आदि पुरुष का अंश का है, मूल पुरुष के आगे जाए अंकुर नाम पुरुष रखा। ये पूरे ब्रह्मांड का लेखा बता रहे हैं कबीर साहब, वैज्ञानिक क्या बताएंगे, और 600 साल पहले की ये उनकी वाणियाँ, ताकि आगे अंकुर लोग हैं भाई, कहाँ अंकुर उदित रहा है, वहाँ अंकुर लोग हैं। 4 असंख्य योजन प्रमाण, इच्छा पुरुष कहाँ स्थान, उसके बाद इच्छा पुरुष स्थान है, 4 असंख्य योजन, इच्छा आगे लोक बखाना, सो तो अंश पुरुष को जाना, 9 नील एक संख्य बखाना, वाणी नाम पुरुष वहाँ वाणी नाम साउंडिंग, 10 लाख एक असंख्य बखाना, सहज पुरुष को कहाँ ठिकाना, उसके आगे सहज निरंजन और सहज लो, 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष को आगे कहूँ चिंते सब उत्पन्न। आगे साहब क्या करें, ये निरंजन तक भी नाश है, आगे वो अमर लोक है जिसका नाश नहीं है, वो रहस्य दिया वेदों ने भी नहीं दिया, इसलिए संतों ने उस एक सत्पुरुष की बात कही, वो नित्य है, किसी भी देश काल में खत्म नहीं होगा, यह है आइडियलिज्म। पर यहां जो हमको अन्य भक्तियों में उलझा है, इसमें स्वार्थ है इंसानों का, इसलिए पूरी संत आइडियोलॉजी ने इसको खंडित कर दिया। इसलिए उनका विरोध हुआ, आप भक्ति में आपका भी विरोध होगा, लेकिन चिंता नहीं। अब उन्होंने आगे क्या कहा, तीन चीज, पहला ये संसार काल का देश है, नाशवान है, ये आत्मा तेरा देश अमर लोक है, जीड़ा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसा, पहला ये पहली बात बोली, ये काल का देश है। दूसरा कहा इन अन्य अन्य भक्तियों से कभी भी तुम उस वहां नहीं जा सकोगे, जाए निरंजन माए समावे आगे का कोई भज न पाए। तीसरा क्या कहा, बिना गुरु के तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। और संतों ने इन उपासनाओं को वर्जित करके एक परमात्मा को अपने अंदर पूजने की बात की, यही विवादित था। आप अपने से देखिए, जिनका नाम यहां से नाम लेने के बाद विरोध होता है हाथ खड़ा करो, जिसका विरोध नहीं हो रहा है वो घुघू है, सब में शामिल है, सब कर रहा है। फिर जब आप खटदर्शन नाराज हो जाएंगे, भक्ति की बागडोर खटदर्शन के पास है, अरे बिजली की बागडोर किसके पास है, बिजली महकमे के पास, नहर की सिंचाई विभाग के पास,
इस तरह हमारे धर्म की बागडोर खट दर्शन के पास है, योगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, ये छह भक्ति का संचालन करते हैं। और कबीर साहब ने छह को क्या बोल दिया, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी खट दरवेश खट दर्शन सभी काल के रेश, ये काल की भक्ति करते हैं। चल हंसा सत लोग छोड़े ये सब, आप बस सोचना कि कबीर अकेला है दुनिया में, एटलीस्ट 50 करोड़ पर्सन आर फॉलो आइडियोलॉजी ऑफ द संत कबीर इन द वर्ल्ड। कनाडा में जाना बहुत कबीर में कबीर की आइडियोलॉजी मानने वाले, मैं विदेशों में जाता हूँ कोई अंग्रेजों को नाम नहीं देता, थोड़े से लेते हैं 2-4%, वो मछली छोड़ना ही नहीं चाहते, भारतीय प्रवासी जो हैं वो लेते। आपको बताऊँ अमेरिका में एक पूरी सरदारों का मोहल्ला है, कितना बड़ा, इतना फैजाबाद भी नहीं है, लिस्टर में गुजरातियों की सिटी है, और इंडिया के बाद सबसे बड़ी दिवाली लिस्टर में मनाई जाती है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। 5 इवेंट करूँगा मैं, पहला मैं आपको बदल दूँगा, आपको बदल दूँगा, मैं कोई थानेदार नहीं हूँ पीट पीट कर बदलूँगा, आपका पूरा अंतःकरण आपकी पूरी इंडिविजुअलिटी बदल दूँगा, ठीक है। जिनको लग रहा है नाम के बाद हम बदले हैं, हाथ खड़ा करना, झूठ फूठ में नहीं करना, ये मेरी गवाही है। दूसरा मैं आपकी आत्मा को चेतन करूँगा, प्रमाण, पहले आपकी आत्मा मन में समाई थी, मन जो कह रहा था कर रहा, अभी नहीं कर रहा, आत्मा कंट्रोल कर रही है मन पर पूरा, आपने सोचा आत्मा कुछ जलता हुआ सितारा होगा, नहीं, आत्मा चेतना है। अब आप क्या कर रहे हैं पता है, आप मन पर होल्ड कर रहे हैं, जिनको लग रहा है मन पर कंट्रोल हुआ है अभी वो हाथ खड़ा करना, यही तो हमारा मैजिक है। तीसरा मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ज्ञानी बनाऊंगा, ज्ञानी कोई सरदार जी का वो पगड़ी लगा वाला ज्ञानी नहीं, ज्ञान का लक्षण है सार को अपनाना असार को छोड़ना। अब आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, पहले ही सोच रहे हैं व्हाट आई टू डू, व्हाट आई टू डू नाउ, आई डोंट हैव नीड टू से यू व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वन नेविगेटर विल बी गाइड यू व्हाट इज नॉट राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको मैंने अभी बताना है, आपको अंदर से ही पूरी सिग्नल मिलेंगे, नेविगेटर बताएगा ये उचित है ये अनुचित है, ये है ज्ञान। आपको सेव कर दूंगा, प्रिजर्व करूंगा, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र नहीं लगेगा। जिनको पहले प्रेत बाधा थी, नाम लेकर ठीक हो गए, हाथ खड़ा करो, सीधा हाथ खड़ा करो, इसमें कम से 10% घर घर भूत है नाम के बाद ठीक हुए। पांचवा, आपके साथ एक ईश्वरीय ताकत कर दूंगा, गुरु ने ईश्वर रूप लगाया, आपको लगेगा एक बहुत सूक्ष्म शक्ति हमेशा मेरे साथ मेरी मदद कर रही है। ये अहंकार से थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे अभी सुशील कुमार कहे मैं इंस्पेक्टर हूँ तो अहंकार है क्या, इंस्पेक्टर हैं। किसी गांव में अगर कोई आदमी कहे कि मैं अकेला ही टीचर हूँ तो क्या घमंड है, अकेला ही टीचर है। अगर कोई सुनार कहे बहन जी को कि आपकी नथनी मैं ठीक कर दूंगा तो ये अहंकार है क्या, उसके पास कला है। तभी तो मैं कहता हूँ जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, किसी को बदलना बहुत मुश्किल होता है, हम बदल देंगे आप। जो मेरी इन 5 बातों से तह दिल से सहमत हैं वो आज खड़ा करना, बाकी मत करना, आपसे कुछ नहीं लूंगा। तो इस तरह से हमारा एक लक्ष्य है, मैं बहुत कम टाइम में पूरे वर्ल्ड में फैल गया, विद इन 25 ईयर। मुझे सेना से रिटायर हुए, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर था, मैं 30 सितंबर 1991 में सेना से रिटायर हुआ। उसके बाद 2-3 साल तो मैं पूरी व्यवस्था 5 साल उसमें लगाया, दे लेकर के मैं 1997 से कार्य शुरू किया भ्रमण। इस 25 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में हम फैल गए, ये सब उसकी कृपा से है, ना कुछ किया ना कर सका ना करने योग शरीर। बस आप महीने में एक आदमी को भक्ति में जोड़ें, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, हम नास्तिक नहीं हैं। यहाँ जो आता है उसको 7 नियम का पालन करना है, उससे सोचना, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। हम कोई राक्षस थोड़ी बना रहे हैं, पहले इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। दूसरा बोलता है एक परमात्मा का की भक्ति का, तो विरोध तो इसमें विरोध कहाँ है, एक पत्रकार ने मुझसे कहा, मैं कहा विरोध ये है, मैं कहता हूँ टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र
तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, इससे खटदर्शन परेशान हो जाता है। ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा था, आपका धर्म नहीं, मुझे धर्म और जाति से कुछ नहीं लेना है। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। अरे जो तू तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत क्यों ना कराया? जो तू ब्राह्मणी जाया, और राह से क्यों ना आया, मलमूत्र के द्वार से क्यों आया? डाल जनेऊ पंडित बन बैठा, पंडतानी को क्या पहनाया? अरे सुन्नत कराए मुसलमान होए बैठा, मुसलमानिया का क्या कटाया? कबीर साहब बड़े तड़ाके से बोल गए, नहीं कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। तो बंधुओं, इस तरह साहब की भक्ति में चार पदार्थ एक मगमाई सब मिल जाता है। अब मैं ये भी गवाही देता हूँ, जिनकी नाम से पहले आर्थिक दशा कमजोर थी, अब नाम के बाद ठीक ठीक हो गए हैं, वो हाथ खड़ा करो। जो नाम लेने के बाद कंगाल हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, वो हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं। अरे देवी देवल जगत में कोटिक पूजे को है, सदगुरु की पूजा की है, सबकी पूजा है। लक्ष्मी जी से हमारी क्या लड़ाई है? लक्ष्मी जी तो हमें भी चाहिए। अरे कपड़े पहने वो भी पैसे से आए, रोटी खाई, पर हम नानक एको सुमरी है, जल जल रहा समाए। जब स्वामी को पकड़ा तो सब बाकी आ जाते हैं, मंत्री आया तो उसके चेले चपटे बाकी वो कारपेंटर सब पीछे पीछे घूमते हैं। एक परमात्मा की भक्ति करने से सब खुश हो जाते हैं, खुद ही पीछे पीछे आ जाते हैं। आप सोचो ना, मैं बड़े गरीब परिवार से, अभी 220 आश्रम विदेशों में रजिस्टर्ड हूँ मैं, और अपना ब्रिटेन में भी, और हमारे संस्था की संपत्ति 2000 करोड़ रुपया। हमने तो एक दिन भी लक्ष्मी जी को पूजा नहीं किया, कहाँ से आ गई? अरे जहाँ स्वामी वहाँ दासी खुद पहुँच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पात पात को सींचते, मुलह दिया सुखाए, माली सींचे मूल को, रुत आवे फल खाए, कबीरा रुत आए फल खाए। एक उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड की भक्ति हो जाती है।